नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार सरकार का 2 फरवरी का एक पत्र जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करता है, धरना प्रदर्शन में, सड़क जाम करने में, अगर वो चार्जशीटेड है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, न ही सरकारी ठेका मिलेगा। इसको लेकर चारों तरफ विरोध चल रहा है, लेकिन विरोध की ये समझिए ऐसा कानून है किसी डेमोक्रेटिक देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अपने आप को बताता है, वहां पर ये ऐसी खबर है जिसका धमक जो है वो अमेरिका तक सुनाई दे रही है। अमेरिका की बहुत बड़ी न्यूज़पेपर जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने भी खबर चलाया है और ये दिखाया है कि कैसे भारत में एक स्टेट जो है वहां पर, जहां मोदी का गठबंधन है उस सरकार के साथ, वो कैसे चलाया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि वहां का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने अपना हेडलाइन क्या बनाया है। उसमें है, मोदी इज रेस्पॉन्स टू फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया स्टिर्स फियर्स ऑफ ए पैटर्न, और उसमें एक कॉलम में चर्चा किया गया है इस कानून को लेकर जो बिहार में नीतीश सरकार ने बनाया है। इन द स्टेट ऑफ बिहार विच इज लेड बाई ए मोदी एलाई द पुलिस सेड एप्लीकेंट वुड बी बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स इफ दे वी आर फाउंड टू हैव पार्टिसिपेट इन एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रोटेस्ट रोड जाम इटीसी। आप समझ सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश में ऐसा क्या कानून हो सकता है, और यही कारण है कि भारत के एक स्टेट का ये जो नियम बनाया गया है उसकी धमक अमेरिका के पेपर में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका भी आश्चर्य कर रहा है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने वाला देश है, वहां का एक स्टेट कैसे ये कानून बना सकता है, और वो भी नरेंद्र मोदी का गठबंधन जिस पार्टी से हो वो पार्टी। काफी ये जो है ये सोचने वाली बात है। वही आपको हम बता दें कि इसको लेकर जो है राज्य में भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई, और खासकर इस पेपर के कटिंग को लेकर आपको हम बता दें। सबसे पहले तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट करके बोला है, देखिए ट्वीट आपके सामने आ रहा होगा, गांधीवाद की दिखावटी बात करने वाले जेपी आंदोलन से निकले कथित नेता की तनाशाही के चर्चे और पर्चे अब विदेशों में छप रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखने से जेल, धरना प्रदर्शन करने पर नौकरी से वंचित करने के तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार को एनडीए सरकार अपमानित कर रही है, और उसमें देखिए आप वो जो खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसे कोट किया गया है, उसे लाल घेरे में रख के बताया गया है। वही अगर हम बात करें तो बिहार की एक और दूसरी पार्टी है, ये भी युवा की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में महात्मा गांधी के विचारों का गला घोटकर हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के विचारों से प्रेरित बिहार प्रदेश प्रशासन के बेहद कायराना फरमान की चर्चा की है। नीतीश सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए जारी बेतुके फरमान की चर्चा विश्व भर में हो रही है, और इन्होंने भी वो जो हमने आपको पहले दिखाया इस कटिंग को उन्होंने भी शामिल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा ये कानून है जिसकी चर्चा पूरे विदेशों में हो रही है। आखिर भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, बिहार का वैशाली जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जहां से गणतंत्र की शुरुआत हुई थी, दुनिया में गणतंत्र का कॉन्सेप्ट 2500 साल पहले हमने दिया, वहां पे एक मुख्यमंत्री आते हैं और ऐसे कानून बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मुख्यमंत्री वैसे है, ये सरकार वैसी है जो कि खुद आंदोलन की पैदाइश है, ये अपने आप को आंदोलन की पैदाइश कहते हैं। तो बिहार में जो है एक जो संवैधानिक जो छूट मिली हुई है, संवैधानिक नियमों के तहत धरना प्रदर्शन संघ बनाने जुलूस और अपने बातों को रखने का अधिकार जो हमारे संविधान ने आर्टिकल 19 नामे दिया है, उस पर करारा प्रहार किया गया। और यही कारण है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां के पेपर में भी, वहां के महत्वपूर्ण पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस खबर को जगह मिली, और वहां के लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं कि दुनिया में जिसने लोकतंत्र दिया, आखिर उस धरती पर ऐसा और लोकतांत्रिक फैसला कैसे लिया जा सकता है, वहां के लोग क्या इसे बर्दाश्त करेंगे। बिहार ऐसे नियम को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है, सरकार को यह नियम वापस लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।